हिंदुस्तान में कहावतें हैं कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। दरअसल कुछ ऐसा ही हो रहा है बसपा के साथ। कभी वो हाथी अपना ऑटो पे सवार हो जाता है, कभी हाथी को लगता है कि ताला खोलना है तो चाबी आवश्यक है, कभी उनको लगता है कि आखिर आशीर्वाद के लिए पंजा भी जरूरी हो सकता है। खैर, पंजे की बात की तो पुष्टि अभी नहीं की जा सकती, लेकिन जाहिर तौर पर अब हाथी ने चाबी का साथ छोड़ दिया है। आखिर क्यों छोड़ा, क्या हुआ? दरअसल ट्वीट में तो साफ तौर पे था कि आपने उनको सीट बराबर नहीं दी, स्थिति क्या है इसी पे जानते दुष्यंत चौटाला। सर, आप क्यों नहीं दे पाए उनको सीट? वो कह रहे हैं आपने बराबर की सीट नहीं दी इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। जब गठबंधन हुआ था तो प्रपोजल उनकी तरफ से आया था और 50-40 का भी जो निर्णय था बसपा ने किया, हम तो साथ चले। और उसके बाद मैं तो बहन जी का ट्वीट देखा और लिखा गया था कि सीटों के अंदर तालमेल में या नंबर्स में कहीं उनकी सहमति हमारी ओर से नहीं दिखी। हमने तो पूरा सम्मान किया और हमने भोजन को आगे लेकर चलने का काम किया। जो भी निर्णय लिया गया वो तो उनका इंटरनल पार्टी का निर्णय है। मैं अभी देख रहा था कि बसपा के एक सांसद का बयान आया कि हम 90 की 90 सीटों पर लड़ेंगे, ये उनका खुद का फैसला है। सकारात्मक पहलू दिखता है आपको इस पर? मैं क्या टिप्पणी कर पाऊँ? नहीं, आपने तो सारी पार्टी का गठन किया, आपने सारी पार्टी को ग्राउंड लेवल पे एस्टेब्लिश किया, तो इसमें आपकी भी राय तो है। मैंने पार्टी के संरक्षक को निर्णय लेंगे तो उस निर्णय के प्रति हम सब मिलकर चलेंगे, आज फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पे बहुजन समाज पार्टी अब भले ही जेजेपी के साथ नहीं रही हो, लेकिन जेजेपी ने साफ किया कि वो 90 की 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और जींद में जो स्थिति बनी उससे बेहतर स्थिति पूरे हरियाणा में बनाएगी। सरकार किसकी बनेगी ये तो खैर वक्त तय करेगा, जनता तय करेगी, लेकिन जाहिर तौर पर अब अकेले चुनाव में पार्टिसिपेशन का एक बड़ा फैसला जननायक जनता पार्टी की ओर से है। और साथ में परिवार की अगर एक साथ चलने की बात है वो फैसला जाहिर तौर पर अजय सिंह चौटाला जी लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV, चंडीगढ़।